Okay. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Good morning. Okay. Now, what I'll do will be, I'll briefly revise once again the derivation of Mayer's relation, which we have done last time. Asif has joined or not, Asif? Pushna, Asif aaya ki nahi? I'm checking. I don't think so, he's there. तुम्हारे पास नंबर है उसका तो जरा कॉल करो ना उसको. यस सर. अभी भी सिर्फ 8 स्टूडेंट हैं. ओके, सो मेयर्स रिलेशन, वी हैव टू प्रूव दैट मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. वी हैव ड्रॉन थ्री डायग्राम. फर्स्ट डायग्राम से कंटेनर के अंदर एक पिस्टन है, उसका एरिया ए है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर पी वी टी. ये इनिशियली थी कंडीशन. फिर पहले स्टेप में हमने हीट किया बाय कीपिंग द पिस्टन लॉक्ड. एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिस्टन लॉक? ओम मिस्त्री, पिस्टन लॉक किया मतलब क्या किया मेरे को बोलो कि आई डोंट नो या आई नो, जो भी बोलना है बोलो, नहीं तो यू आर इमीडिएटली गोइंग आउट. सर आई डोंट नो. सो यू नो जब भी हम पिस्टन को लॉक करते हैं मतलब वी आर हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वी आर हीटिंग दिस गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम में ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जाएगा. ऑलराइट, नाउ वी हीटिंग इट. ये जब हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंटायर हीट सप्लाइड इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर. उसके स्टाइल में बोलते हैं टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी. टेम्परेचर का बढ़ना है ना इंटरनल एनर्जी का बढ़ना. तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मास, यानी कि 1 मोल लिया हमने, यूनिट मोल लिया तो 1 इनटू सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इनटू डीटी. बट हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर डीटी इक्वल टू डीक्यूबी इक्वल टू सीवी डीटी. इक्वेशन नंबर 1, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल कंडीशन इसको वापस पीवीटी पे लाने का, और फिर स्टार्ट हीटिंग इट एट कांस्टेंट प्रेशर. मतलब कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पे विल रिमूव द लॉकिंग ऑफ द पिस्टन. मतलब नाउ पिस्टन इज फ्री टू मूव. उसके ऊपर धक्का आएगा ये मारेंगे तो टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर इट विल कीप ऑन मूविंग अपवर्ड्स. तो यहाँ पे क्या होगा, दो काम होंगे, एक तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क डन, यानी कि पिस्टन का बढ़ना. तो लिफ्ट द राइज ऑफ टेंपरेचर बी सेम डीटी. तो व्हाट इज द डीक्यूपी? 1 क्यूब, एनीबॉडी, यूनिट मोल इनटू बड़ा सीपी इनटू डी, देयरफॉर डीक्यूपी सीपी डी. इक्वेशन 2. बट वी नो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज टू डू वर्क बट डीक्यूपी इज व्हाट? सीपी डीटी. डीई क्या है? सीवी डीटी प्लस डीडब्ल्यू इज डीडब्ल्यू. ऑलराइट. अच्छा मुझे देखो ये आसिफ, हैव यू कम और नॉट? उसने आसिफ आया कि नहीं? हाँ सर, इज नॉट पिकिंग अप. दैट्स नॉट गुड. ओके, प्लस डीडब्ल्यू. व्हाट इज वर्क डन? इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. बट एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज डीवी, इंक्रीज इन वॉल्यूम. देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बाय व्हिच इट हैज मूव्ड, दैट विल बिकम इंक्रीज इन वॉल्यूम. फॉर 1 मोल वी नो पीवी इक्वल टू आरटी. देखो इसमें P तो कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो P का P रहेगा, R तो R का तो नाम ही यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है तो V के बदले dV, R के बदले dT. दिस वी सब्स्टिट्यूट, मतलब P dV इज R dT. इक्वेशन 4, वी सब्स्टिट्यूट 4 इन 3. तो व्हाट वी गेट? CP dT इक्वल टू CV dT प्लस dW के बदले R dT. dT dT गेट कैंसिल, CV को है CP माइनस CV को R. ये रहा आंसर आपके सामने. बट वी नो molar specific heat is product of molecular weight into principle. तो ये लिखा R by mo को छोटा R, छोटा R का नाम क्या है? It is not universal gas constant, but it is gas constant per unit mass. ये मैंने notes already भेज दिए आपको, last to last time only. I have sent ना?
मार्च ये भेजा है कि नहीं मैंने? मार्च सर हाँ, अगर नहीं बोलोगे मैं स्ट्रेट अवे रिमूव कर दूंगा, ये ध्यान रखना, सबको बता रहा हूं मैं. इफ यू नॉट स्पीक आफ्टर वन और टू डेज बी प्रिपेयर्ड. सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, म्यूट होना चाहिए, बट वीडियो सबका ऑन होना चाहिए. जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा सीधा निकाल दूंगा मैं बाहर. वीडियो ऑन का मतलब यू आर देयर डेफिनेटली लुकिंग एट मी. आज एक दिन और मैं छोड़ रहा हूं तुमको, नेक्स्ट टाइम से वीडियो ऑन और अपना साउंड बंद. जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन साउंड चालू करो, बट वीडियो कंटिन्यूअसली ऑन रहना चाहिए. ओके, तो ये हो गया मेयर्स रिलेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेयर्स रिलेशन. अरे ये हमने एक बार एक्चुअली देख ही लिया है लास्ट टाइम, एक बार मैंने वापस रिपीट किया है आज. तो अब हम थोड़े ना प्रॉब्लम करते हैं. चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन. Chapter is almost done. All of you keep it in mind that सभी को अपना video on रखना पड़ेगा next time से. Not only in my lecture, all lectures. और जब question पूछा जाएगा, अभी मैं instruction सब professor को देता हूँ. You have to follow this. See, your parents are paying hard earned money to us, and you want to you just want to neglect their money. You have to make use of it. I do not like this, remaining inert in the class, inactive. Therefore, we have to force all this on you. बिल्कुल चलेगा ही नहीं, बिल्कुल. मैं निकालने का तो दे दिया, मैं निकाल देता हूँ सीधा. और अभी next time से जिसका video आने सीधा out, I'm telling you. इसलिए be prepared. चलो okay, अभी हम लोग solve करते हैं problem. मैंने photograph भेजे ही हैं. मैंने फोटोग्राफ भेजे प्रॉब्लम के, सो दैट वी कैन सेव टाइम. सभी को ये प्रॉब्लम कंपलसरी लिखने हैं बाद में अपने नोट्स में, तो ही काम होएगा. जीतू आर यू देयर? जीतू बेटा, जीतू जीतू शायद गांव गया था. हाँ, ही टोल्ड मी. आफिफ, आफिफ सैयद? यस सर. आर यू देयर? यस सर. ओके, आपके पास प्रॉब्लम की फोटो पहुंचे थे? Yes sir, I have 15 minute pehle bheja hai. Yes sir. So should I read the first problem? Yeah. So should I read? You have to read. Yes, that's right. 16 gram of oxygen occupies 0.025 meter cube at 27 degrees Celsius. If the universal gas constant is 8.4 joules per mole per Kelvin, find the pressure exerted by it. Molecular weight of oxygen is 32. Yes, go on writing along with the data. ओके, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू द प्रॉब्लम. ये मॉलिक्यूलर वेट सबको ध्यान में रखना है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम 4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 28, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एक और आ जाए 64. बोले देखो, एक कंटेनर था, उसके अंदर ऑक्सीजन थी, उसके बाद 16 ग्राम वॉल्यूम इतना था, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट दिया हुआ और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ ऑक्सीजन का. तो हमको पूछा है कितना प्रेशर वो डाल रहा है. दैट इज व्हाट द हुसैन प्रॉब्लम. बता दागिना. Yes, sir. So there is a gas. So of mass 10 gram,
volume 0.025 meter cube, and so 8.4 joule per mole. What is it? Capital R, क्या बेटा? Capital R क्या है? Capital R. Sir, अगर नहीं पता है तो बता दो. Universal gas constant. What it is? Yes, sir. Universal gas constant. Sir, and the मुझे value नहीं पता. मुझे value बस बोलो. मुझे value बस बोल आगे से. Sir, oxygen gas है, mass दिया हुआ है, volume दिया हुआ है, universal gas constant दिया, molecular weight दिया हुआ है. We to find pressure. इतना बोलोगे तो चलेगा. Value पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो we start with light. PV equal to nRT. We know this. We know this. देखो प्रेशर चाहिए. तो कह रहे हैं सर PV equal to N के बदले M by MO. ये फॉर्मूला मैंने दिया है आपको. देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? MRT upon M0 into V. M. M यानी 16 ग्राम. अब मुझे एक बात बताओ. ये जूल SI यूनिट. जूल के साथ में SI यूनिट है कि ग्राम नहीं चलेगा. ग्राम के बदले मुझे कितना होगा? किलोग्राम. So this is 16 into 10 raised to minus 3 kilogram. Universal gas constant. अच्छा फिर इसको किलो मोल भी कर. तो इसको ग्राम ही रहने देते. 16 into R कितना है? 8.4. T कितना है? हाँ, temperature के बारे में बोल रहा है 27 degree centigrade. मतलब 300 Kelvin. M0 is M0 and molecular weight of oxygen given by them is 32. And volume kitna diya 0.025. All right. So isko simplify karenge to answer aayega 50.4 ओके ये ना आंसर आपके सामने. आपको पता है वन जूल? एनीबडी कैन टेल मी वन जूल का प्रोडक्ट रिलेशन वन न्यूटन के साथ क्या है? एनीवन? वन जूल इज वन न्यूटन इनटू व्हाट? एनीवन ऑफ यू. जूल के बदले मुझे न्यूटन लिखना है तो क्या लिख सकता हूं? नॉट इन पर्टिकुलर टू एनीवन, इन जनरल एनीबडी नोज. Joule can be written as what into what? Okay, चलो मैं बताता हूँ. Think of work. The unit joule होता है. Work is force into क्या? Work is force into what बताओ? Displacement. Displacement. तो यहाँ पे न्यूटन के बदले क्या आएगा? One newton into one meter. तो एक लिख के रखो कहीं पे. One joule is one newton meter. ये लिख के रखो कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट इक्वेशन पूछ सकते हैं सर ये पूरी इक्वेशन में न्यूटन नाम की कोई चीज नहीं है. न्यूटन नाम की कोई चीज नहीं है आंसर में. आपने न्यूटन पर देखो, इसमें न्यूटन है ही नहीं सर, किधर से आप न्यूटन ले आए? तो बिकॉज जूल के बदले वी कैन राइट न्यूटन मीटर. क्या पता ऐसे डाउट आपके दिमाग में क्यों नहीं आते? डाउट आने चाहिए. एक मिनट, सब कुछ समझ में आया? अच्छा, एनीबडी नोज वन न्यूटन को किलोग्राम के साथ लिखते हैं तो क्या करूं? एक छोटा सा कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन देता हूं. केजी इनटू क्या करूं? एनीवन. न्यूटन को हटाया और मुझे किलोग्राम को लाना है. एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी? ये क्या क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा? बट यू शुड नो दिस बेसिक्स. एनीवन? आफिफ? ओ आफिफ, यस सर. आता है कुछ? बोल सकते हो कि नहीं? ना बोल सकते हो? नो सर. नो सर, नॉट. गुड गुड. ओके चलो मैं बताता हूँ. फिर मी न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, केजी इज ए यूनिट ऑफ मास. अब बताओ आगे क्या लिखूं मैं? मास इनटू, बोलो ना यार. एम ए फोर्स इक्वल टू मा, ये मालूम है ना? एफ इक्वल टू एम ए. ए का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो कभी न्यूटन को भगाना हो तो यू कैन राइट 1 kg meter per second square. और फोर्स का डायमेंशन याद है, एम वन, और ए के बदले एल अपॉन टी स्क्वायर, तो एम वन एल वन टी माइनस टू. तो यहां से भी सकते हो केजी मीटर सेकेंड टू माइनस टू, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको ये सब आना चाहिए, दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स विच यू शुड नो. आई होप दैट्स क्लियर. इसका एंड नहीं है, छोटी छोटी बातें बताने का. बिठा दो इसको, कॉपी कर लो उसको पेन पे, टॉप पे. अब मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, तो आना चाहिए आंसर. जूल के बदले क्या लिखू, तो बोलेगा न्यूटन मीटर. एफ के बदले क्या लिखू, बोलेगा केजी. न्यूटन के बदले क्या लिखू, तो बोलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद अगला प्रॉब्लम कौन सा बेटा, रीड करो. सर, टू वेसल्स ए एंड बी आर फिल्ड विद द सेम गैस पर वॉल्यूम टेम्परेचर. आवाज गई तुम्हारी अफीफ कुर अफीफ. उसने तुम रीड करो, कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको. टू वेसल्स ए एंड बी आर फिल्ड विद सेम गैस वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल बी. कैलकुलेट द देखो लिखते जाओ मेरे साथ, फिर मैं प्रॉब्लम बताता हूँ. देन आई एम गोइंग टू आस्क. ओके, देखो प्रॉब्लम ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा है. देखो दो कंटेनर थे ए और बी, ये है कंटेनर ये और ये है कंटेनर बी, सेम साइज का बना है क्योंकि वॉल्यूम से नहीं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए इज ट्वाइस द कंटेनर. वॉल्यूम इसका थोड़ा बड़ा बना दो ए का और बी का छोटा वाला. तो देखो दो कंटेनर थे ए और बी, उसके अंदर दोनों के अंदर सेम गैस भरी हुई है, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर ए के डबल है वॉल्यूम बी से. वो लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी का रेशियो निकाल के बताया जाए. प्रॉब्लम समझ में आया, जो सपोज आंसर आया 5, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक 5 गुना बी से लाइक दैट. तो मुझे ये प्रॉब्लम बताया गया. रितिका प्रसाद प्रॉब्लम बता. यस सर. कितने कंटेनर है, 200. हाँ, क्या क्या दिया उसमें, सर? वॉल्यूम दिया, टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया. वैल्यू दी उनकी? नहीं सर. क्या बोला सर? ये बस ये बोला है कि ए का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर बी से डबल है. वेरी नाइस. और पूछा क्या हमको? रेशियो निकालना है सर, ए और बी का. ए और बी का रेशियो निकालना है, काय का? मास का कि वॉल्यूम का? कि किसका रेशियो निकलना है? सर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. गुड गुड आंसर, गुड आंसर. वी नो पीवी इक्वल टू एनआरटी, देयरफॉर पीवी इक्वल टू एन बाय एनए आरटी, एंड देयरफॉर व्हाट इज एन? PV into NA upon RT. जरा देखो सब समझ में आ रहा है. यू नो नंबर ऑफ मोल्स का ऑल्सो रिलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर. ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, N का फॉर्मूला M by M0 as well as N by NA. ओके, देयरफॉर N प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कांस्टेंट उसको भगा देना है. क्या क्या कांस्टेंट इसमें, कोई भी मुझे बताएगा राइट हैंड साइड पे कॉन्सेंट क्या क्या है?
मुझे तुम ना बोल सकते हो, नहीं मुझे नहीं पता। मोलन कुरेशी, कॉन्स्टेंट क्या क्या है जो चेंज नहीं होने वाला है? राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट कुरेशी, आर, आर इज अ कॉन्स्टेंट, गुड। और एक और कॉन्स्टेंट है, देखो पीवीटी तो कॉन्स्टेंट हो ही नहीं सकता है क्योंकि चेंज हो रहा है वो। उल्टा हो गया, पी ए बाय पी बी इज क्यू, वी ए बाय वी बी इज क्यू, and TV by TI is 1 by 2, and therefore answer is 2. Therefore, NA by NB is 2:1. That's the answer. मतलब number of molecules A में double है number of molecules B के। कॉपी कर लो इसको सर। हाँ या प्लीज सर, आपने टेम्परेचर में बी का पहले लिखा, ए का नीचे लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एन और बी का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली इन्वर्सली। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन रितिका, वेरी नाइस क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन को कोई मन में नहीं रखेगा, क्वेश्चन सीधा आने दो। अरे मुर्तजा, have you followed or not? Yes, sir. हाँ, answer देने का, नहीं तो मैं सीधा भगा दूंगा। तो आसिफ रजा, आसिफ सैयद, आसिफ सैयद, why you're late? Sir, did you say आसिफ सैयद? आसिफ सैयद, आसिफ। There is one more student has joined. उसका नाम भी आसिफ सैयद है, तुम्हारा आसिफ सैयद है। तो I am asking आसिफ। आसिफ, are you there or no? मेरे को दिख रहा है तुम है क्लास के अंदर। Yes sir. क्यों लेट आए? Sir, I slept very late, I guess. नहीं, I don't like this. Whatever sleeping time, I am not concerned with that. You have to come in time. और जब नाम लूंगा कि आसिफ, तो आंसर देना है आपको, नहीं तो मैं निकाल दूंगा ग्रुप से। ओके सर, यू हैव टू आंसर इंस्टेंट। नहीं आता हो आंसर, मुझे बोलना नहीं मालूम सर, मेरे को नहीं आता, मैंने ज्वाइन नहीं, लेट किया है, कुछ भी बोलो, लेकिन आंसर आना चाहिए, नहीं तो मैं निकाल दूंगा ग्रुप से। ओके, इज दैट क्लियर आसिफ? यस सर। आई विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन बिकॉज यू आर ज्वाइन टूडे, बट वेन एवर देर इज सम इंटरेक्शन एंड समबडी इज टेकिंग योर नेम, यू हैव टू आंसर एंड यू हैव टू कम इन टाइम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, नहीं तो मैं जो लेट आएगा ना 5 मिनट तक, उसके बाद लूंगा ही नहीं उसको ग्रुप में से। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? लिसन टू दिस केयरफुली। ओके, तो ये हो गया नंबर 7। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई थिंक 15 नंबर है, 15 है कि 18 है, क्या है नंबर? हाँ 18, 15.115. I have to do 15. Yeah, 15 करते हैं. Let's do 15. Read Afif Qureshi. Afif Sayyad. Yes, sir. They obtain the mean free path of nitrogen molecule at 0 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure. The molecular diameter of nitrogen is 324. Picometer. Assume that the gas is ideal. Okay, देखो सबसे पहले डेटा लिखो मेरे साथ, then I'm going to ask you the problem and then you will explain me. मेरा पेज नंबर शायद डिफर करेगा, इसलिए I'm just writing page 15. Question number 15. We are given 0 degree centigrade, means temperature we have to write 0 plus 273. Go on writing along with me. That is 273 Kelvin. Alright. Pressure of 1 atmosphere. यहाँ पे ये लोग दिया नहीं है, but remember 1 atmosphere एक standard result लिख के रखो ना,
1 atmosphere is 1.013 into, anyone knows, 10 raised to? Anyone? ये लर्न बाय हार्ट कर लो इसको, 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Newton per meter square. The molecular diameter of nitrogen is 324 picometer. Anybody knows 1 picometer is not there? 1 picometer, anyone? 10 raised to minus 9. No, there is 1 nanometer. 1 nanometer is 10 raised to minus 9, beta. 1 micrometer is 10 raised to minus 6 meter. Ye sab likh lo. न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जावे. Assume that the gas is ideal. और KB का वैल्यू इलेक्ट्रॉन डेटा में यूज किया है. KB, KB, anybody knows what is KB means? Anyone? मैंने यूज किया है सिंबल. Anyone who can say? Prisha Shetty, you can say no, but you have to say KB क्या है? Prisha Shetty? Yes, sir. What is KB? You can say, I do not know. Say fully, properly. Sir. KB ka matlab hai Boltzmann's constant. KB is Boltzmann's constant, R upon Na. Boltzmann's constant. ये कहीं ये सब है ना, लिख के रखो प्रॉब्लम के पहले. ये सब बचे केबी का वैल्यू दिया हुआ है 1.38 इनटू 10 इज टू माइनस 23. ये लोग ने डेटा मैंने लिखा लेकिन सॉल्यूशन में यूज किया है. दिस इज द वैल्यू व्हिच हियर दे हैव गिवन. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग एंड दे आर आस्किंग. पहली चीज जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीन फ्री पाथ. Anybody knows क्या सिंबल यूज किया था हमने मीन फ्री पाथ का? क्या सिंबल यूज किया था? एनी वन ऑफ यू? उष्णा, मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला दिया था, बोला विदाउट डेरिवेशन ये फॉर्मूला अपने को लेना है. उष्णा, यस और नो? यस सर. नहीं याद है आपको? नो सर. डिनोटेड बाय लैम्डा, और लैम्डा का फॉर्मूला जो दिया था मैंने वो फॉर्मूला लिखा लो. 1 upon root 2 pi d square into number of molecules per unit volume. This formula I've directly liya tha, which you have to use directly. Call that as equation number 1. All right. Now, mujhe ek baat batao. Do you know PV equal to nRT? Dekho, V to hai, mujhe N chahiye kaise bhi. Therefore, can I say PV equal to N by Na RT? But R, tell me, can I say KB into Na? Idhar se dekho, R is KB into Na. KB into Na into P. So Na gets cancelled, and therefore PV equal to N KBT. And therefore, what is N by V? N by V will be equal to P by KBT. This we substitute in 1. And therefore, lambda will be equal to P by KBT. So KBT upar aa jayega. Upon pi d square into p. और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमको. खलास, मैं एक बार रूलर मार दूंगा इसके ऊपर. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू हिट रूलर ऑन ईच एंड एवरी स्टेप एंड यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट टाइम से वार्निंग सुन लो. नंबर वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल कीप योर वीडियो ऑन.
नंबर टू, जो भी स्टूडेंट दो मिनट लेट आएगा उसको एंट्री बंद हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू एंटर. यू कैनॉट से आई वॉज स्लीपिंग. हम लोग को भी सोने की इच्छा होती है, हम लोग भी आते हैं ना. बाकी स्टूडेंट कैसे टाइम पे आते हैं? कोनन, तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो. कोनन, आर यू देयर? से यस नो. मेरे को लगता है सो गई है वो, उसको निकालता हूँ. कोनन से फाइनली यस और नो. यस सर, आई हैव रिमूव्ड. नोबडी, एट द मोमेंट यू आर नॉट आंसरिंग, I'm not going to continue you in the class. Okay, root 2 pi. D square. D kitna bola tha maine? 324 picometer means 324 into 10 raised to minus 12 meter. Iska square yaar 324 ka square. और 10 टू माइनस 12 का स्क्वायर 10 टू माइनस 24 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस 24 और प्रेशर की वैल्यू है 1.013 इनटू 10 टू 5 ऊपर जाएगा तो माइनस 5. वैल्यू सिंपलीफाई दिस यू विल गेट द आंसर इज 0.8. मैं एक बार रूलर मारता हूँ पूरे इस पे. ओके, देखो प्रॉब्लम ऐसा था कि हमको है ना मीन फ्री पाथ चाहिए. ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अभी इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के डायमीटर का तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टेम्परेचर प्रेशर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट हैव बीन गिवन. वी हैव टू फाइंड मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था विदाउट एनी डेरिवेशन. इवन इन टेक्स्ट बुक देयर इज नो डेरिवेशन फॉर इट. तो ये फॉर्मूला था on about root 2 pi d square n by v. Equation number 1. Now n by v bada problem hai hamare liye. So pv equal to nrd. N ke badle n upon na likha rd. Therefore pv equal to n by na. Aur r ke badle kya hai? Multiply karenge to kb into na. Kb into nat. Na na gets cancelled. So pv equal to n kb. Ye directly bhi likh sakte ho agar aapko yaad hai to. Therefore n by v will be p upon kb t. We substitute this in equation number 1. So n upon b ke badle we write p upon kbt. Kb ki value, t ki value, root 2 ki pi, diameter 324 ka square or 1.0. Isko simplify karenge to answer aayega 0.8 into 10 to minus 7 meter. Is that clear? All of you followed? Yes, sir. Okay. मैं नाम लूंगा तो फिर उसको आंसर देना ही पड़ेगा. आंसर देना पड़ेगा ये ध्यान रखो कंपलसरी. मैंने कोनन को निकाला है. आई विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस. वी विल जस्ट कीप क्वाइट. ओके, इसके बाद 18-15 के बाद आई विल डू 18 पढ़ो तो बेटा. अफीफ बेटा, अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर पी. If the masses of all the molecules are made 1/3 of the original value and their speeds are doubled, then find the resultant pressure. Okay, main problem bata raha hu, explain kar raha hu, then I'm going to ask you what the problem is. Dekho, problem 18. प्रॉब्लम कहता है अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर पी. यानी प्रेशर ऑफ द गैस इज पी. पहला प्रेशर पी दिया हुआ है. इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3, देन मास कैपिटल एम लिखू या स्मॉल एम लिखू? मास ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग किससे डिनोट करते हैं? या एमओ लिखू? क्या लिखू? एनीवन? मास ऑफ मॉलिक्यूल. हाँ, एमओ नहीं, एमओ है ना मॉलिक्यूल ऑफ इट. m total mass of the entire gas hai aur chota m is mass of molecule. So mass of molecule naya jo mass hai that is 1/3 of the initial mass m1.
लोग भूल गए ऐसा कि सारे मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के उनको 1/3 ऑफ ओरिजिनल मास कर दिया एंड देन स्पीड से डबल उनकी स्पीड डबल कर दी यानी C2 हम C2 बोलते हैं C2 इज ट्वाइस C1 उनकी स्पीड को डबल कर दिया देन द रिजल्टेंट प्रेशर P2 कितना होगा दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग नया प्रेशर कितना होगा अब सुनो प्रॉब्लम क्या है ठीक था कंटेनर उसके अंदर एक गैस थी बेचारी वो प्रेशर मार रही थी पी फिर क्या किया उसके मॉलिक्यूल को बुलाया गया बोला आओ 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 हर एक मॉलिक्यूल का 1/3 मास करके अंदर भेज दिया मतलब मास कम कर दिया सारे मॉलिक्यूल छोटे छोटे कर दिए पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे उनको छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मॉलिक्यूल कर दिए लेकिन हर एक की मास कम करने के बाद उसकी स्पीड डबल कर दी बोला अभी डबल स्पीड से भागो तो लोग बोलते हैं नया प्रेशर कितना होगा तो मुझे प्रॉब्लम समझ में आया मुझे कौन बताएगा प्रॉब्लम रीति का प्रॉब्लम बता यस सर वन मिनट वैष्णवी यू केम जस्ट नाउ और यू आर देयर फ्रॉम द बिगिनिंग सर फ्रॉम द बिगिनिंग ओके रीति का प्रॉब्लम बता यस सर एक कंटेनर में गैस थी हाँ बोलो गैस थी गैस थी उसका मींस प्रेशर डाला एंड मॉलिक्यूलर पी था प्रेशर डाला नहीं उसका प्रेशर पी था फिर उसका मास वन क्या मास गैस का मास 1/3 कर दिया नहीं सर वो कंटेनर का मास कंटेनर का मास नहीं स्टूपिड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज हैज बीन मेड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल मास सब मॉलिक्यूल को छोटा कर दिया मॉलिक्यूल को बुलाया आओ 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 करके हर एक मॉलिक्यूल को 1/3 मास कर दिया और ये क्या है ये स्पीड डबल कर दिया तो वी हैव टू फाइंड द न्यू प्रेशर तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है यू नो 1/3 एनीवन नोस एनीवन जो बड़ा डेरिवेशन किया था 1/3 रो सी स्क्वायर कितना बड़ा डेरिवेशन किया था हमने Therefore, P equal to 1/3 density is mass upon volume. Anybody knows mass ka badle kya likhu? Chota mass into what? Anyone of you? Mass of the entire gas is mass of each molecule into? Hamare paas less than 1 minute. Anyone? Bhargesh, kya lagta hai aapko? Bhargesh? क्योंकि बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है एंड देयरफॉर P2 बाय P1 इक्वल टू M2 बाय M1 इनटू C2 बाय C1 का होल स्क्वायर And therefore, P2 by P1 is what P. M2 by M1 is 1 by 3. C2 by C1 is 2C1, yani 2 square, 4. And therefore, P2 is 4 by 3. P. This